हेलो हेलो। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम पुरस्कार पढ़ कर चिलाख लाख धन्यवाद लाखों एक ही है जारो ज्यादा तबीयत खराब हो गया है काका का। हाँ बेटवा, लागत है हम बहुत जल्दी मर जाओ, लेकिन बेटवा हमारा नाजुक क्या है भैया, क्या है बेटवा कब है काका? आपके साथ सब कैसे हो गया बेटवा? भगवान कि आप अपने बीमारी से परेशान, अपनी गरीबी से लाचार, आपको एक ईश्वर ने औलाद दिया, बेटी दिया, तो आज वो भी ले लिया। राजकुमारी के साथ आपकी बेटी चमन में सैर कर रही थी, उसी चमन में एक जहरीला सांप डस लिया, और बेचारी नाजो वही पर दम तोड़ दिया। मोर गुड़िया मोर से कह रही बाबू हम ना जाब, लेकिन हम जबरदस्ती अपने गुड़िया को भेज दी, भेजे हुई तो हमारी बिटिया न मर। काका अरे बोले बिटिया के एक लोटा बुढ़ाई दो पानी दे हमका। काका
घबरा जी, तुहरी बीमारी का सहारा हम करब, तुहार दवा दरमत कराओ काका। घबरा जी, तब तक आप यहाँ बिट्टी खाती कुछ इंतजाम करा, हम जाते ही कुछ पैसे कौड़ी लेके आओ, कफन उफन लेके आओ, तब तक यहाँ गड्ढा उड्ढा तैयार करा तू। पर गए बतावा काका, भगवान का प्यारा होइगे बिट्टी के तरफ सोच मत देख के, काका भगवान का प्यारा होइगे। अब का करी, हम चली पहले दोनों लहास ठिकाने लगाए। मुसीबत पड़ गए कि बतावा, बाप बिटिया दोनों भगवान का प्यारा हो गए। मास्टर विपद इतनी बड़ी पड़ गए, का बतावा जाए मास्टर। इंतजार करते हैं, क्यों नहीं? खबर तो ऐसी लेके आया हो, अगर सुनोगे तो खबर सुनते ही आपके दिल में वो आग बबूला उठेगा, वो आग बबूला उठेगा कि जो हम कभी सोच नहीं सकते हैं। खबर ये है यार सिंह, पहले आप सुनने के हम आदि नहीं रहे, साफ शब्दों में जाहिर करो कि आखिर बात क्या है। बात है
कि जिस वक्त नाजो की लाश को लेकर भरी रात दरबार में पहुंचा और उससे बोला कि कल सरदार जी का आदेश है, कल इससे और हसीन लौंडिया का इंतजाम करके अड्डे पर भेज देना। ओ हरामजादा नालायक, हमें उल्टी सीधी बातें कहा और मुझ पर वो हाथ उठाया और कहा है किस राज से लड़की तो क्या एक दिन का नहीं जाएगा जाकर अपने सरदार जंजीरा सिंह से। अरे पकड़ा गया है, कहा था सुना पकड़ा गया है। आहा, पकड़ा नहीं वो सनक गया है, इजाजत होता है आपका तो मैं उसी वक्त साले को गोली मार देता। दुश्मन को इतनी जल्दी खत्म कर देना, दुश्मनी का मजा किरकिरा हो जाता है। दुश्मन को तब तक जिंदा रखो। अरे उपाय को सोचिए, बहुत तड़प तड़प कर अपने घुटने आए हमारे सामने न टेक दे तो उसकी ये मजाल कि उसने हसीन तोहफा भेजने से इकरार की बजाय इनकार कर दिया। हाँ हाँ, इनकार कर दिया, इनकार। चलो हम इसी वक्त हम मातम सिंह के हवाली चलकर हम मातम सिंह से बात करूंगा। क्यों नहीं, आओ हमारे साथ चलिए। हमें मिटा सकता नहीं, अरे हमें मिटा सकता नहीं, जमाने में इतनी दम नहीं, जमाना हमसे है और हम जमाने से नहीं। मंत्री प्यारे लाल, जिस वक्त हाँ नहर से जंजीरा सिंह के पास पहुंचा होगा, हाँ हाँ, और मेरा पैगाम सुनाया होगा, वो जंजीरा सिंह आग बबूला हो गया होगा। और क्या? लेकिन हमें डरने की बात नहीं है, कोई बात नहीं है। मातम सिंह की खोपड़ी रही, किस खोपड़ी है, किस चाल चलती है, सौ खोपड़ी पीट कर एक खोपड़ी मातम सिंह की बनाई। खोपड़ी ना भाई, आपके बीच खोपड़ी बीस खोपड़ी, हाँ बीस खोपड़ी। माता ठेंग क्यों भूल गया हो दिन जब तूने दोस्ती का हाथ हमरा से बढ़ाया था। देखिए इधर, तो दोस्त माने बात क्या है बताओ मुझे, दोस्त माने तो दोस्त माने बात क्या है बताओ मुझे, किया क्यों है गुलचे दहनी, आज 10 दिन से भूखा हूँ मैं वसल का, मिल न पाए मुझे कोई गुलचे दहनी। राज की मैं हर कसम कह रहा, एक लड़की का दिन का नब्बे ओए तेरी खोपड़िया घूम गई है कह रहे जंजीरा सिंह, हमारी खोपड़ी नहीं घूम गई है, तेरा भेजा फिर गया है, मेरी लड़की
तेरे ऐश आराम के लिए भेजा था, ना कि उसकी जिंदगी से खिलवाड़ करने के लिए। अरे एक दो चार दस बीस और पचास लड़कियों से तेरा कोई घर खाली होगा? अरे तेरी रियासत की लड़कियां हैं, तेरी रियासत की। तो मैं इस रियासत का सम्राट हूँ और मेरा फर्ज कहता है कि रियासत की देख रेख करूं। तो बगुला भगत बन गया। मैंने अपना इरादा बदल दिया है। याद रख माधव सिंह जी, मैं जिसे मैं सिंहासन पर बिठाना जानता हूँ उसे सिंहासन से उतारना भी जानता हूँ। तेरी भूल है जलीला सिंह, याद रखना ये हमरा से दुश्मनी तोरा के बहुत महंगी पड़ेगी। जलीला सिंह, हम तेरी दुश्मनी को सस्ते भाव में खरीदना जानते हैं। तो ठीक है, आज तक तूने हमारी दोस्ती देखी लेकिन आज के बाद तू हमारी दुश्मनी देखेगा। धमकी ना है, अपने आदमियों के साथ दम दबा के यहाँ से निकल जा, नहीं तो मैं शिकारी कुत्ते छोड़वा कर तुम लोगों की बोटियां लुटवा दूंगा। माता ठेक, अरे कुत्ते नहीं, शेर पालना सीख, शेर पालना। और आज तो मैं जा रहा हूं लेकिन याद रखना माधव सिंह, एक दिन तेरे राज रियासत नहीं तेरी राज महल में बारात लेकर जरूर आऊंगा। सिंह धमकी ना है, चींटी के काटने से शेर जख्मी नहीं होता है। ये नहीं तू जानता, निकल जा। ये चींटी हाथी के मौत का कारण बनती है। निकल जा रहा हूं लेकिन याद रखना, एक दिन फिर मैं तेरी इसी रियासत में उस दिन का इंतजार करूंगा। मंत्री प्यारे महाराज रहो और बॉडीगार्ड बढ़ा दो। हाँ। हम जंजीरा सिंह से मुकाबला करेंगे, बराबर करेंगे, अपना कदम पीछे नहीं हटाएंगे। आप नहीं, अगर उसने कहा है हाँ। कि हमारी दोस्ती देखी है, दुश्मनी नहीं, हाँ हाँ। तो हम उसकी दुश्मनी को कबूल करते हैं और क्या, उसकी दुश्मनी को हम सस्ते भाव में खरीदेंगे। चलिए कॉलेज गया था स्कूल पढ़ने के लिए। रुक जा, कहो तुहार स्कूल खुला है? कहे तो है बंद है का हो? हमारे स्कूल तो बंद है, पहले ही बतावा हफ्ता में कई दिन खुला था तुहार स्कूल? हफ्ते में छह दिन खुलता है। हफ्ता में छह दिन और क्या, तुहार स्कूल बेकार है। अब्बा तो है कई दिन खुला था भैया? हमारे हफ्ता में एक दिन खुला था। हफ्ता में एक दिन? अब्बा कौन दिन? आइतवार का। आइतवार का सारा दिन स्कूल हमारे खुला रहा था, बढ़िया खाए पी के जाय था, चाहे कक्षा एक में बैठी, चाहे दुई में, चाहे पांच में, चाहे दस में,
हे भैया चाहे बैठ के चाहे बहुर के चाहे जौने कक्षा में रही कोनो दिक्कत ना है। कक्षा नहीं उसे क्लास कहते हैं। क्लास कक्षा अंदर बियर को बोलते हैं। सारी बात छोड़ो ये बताओ कि मेरी माँ किस हाल में है। भैया मैं यहाँ भले यहाँ जनते हाँ खाए पिए को प्रॉब्लम रहा था जनते हाँ। सुकुमार भैया मेरी माँ ने दूसरों के यहाँ मेहनत मजदूरी कर कर मुझे पढ़ाया लिखाया मुझे एक अच्छा इंसान बनाया है। हमारा भी फर्ज और कर्तव्य हमारा यह कहता है कि हम अब बड़े हो गए समझदार हो गए कोई अच्छी सी नौकरी कर लेते हैं जिसकी वजह से हमारी गरीबी दूर हो जाए। हाँ हमारा यह विचार है कि अब की घर से हम निकल जाए कतो अगर पाई जाए नौकरी तो हम लाग जाए। तो आओ चलते हैं सबसे पहले माँ से मुलाकात करेंगे। हाँ भाई और उसके बाद माँ से आज्ञा लेकर हम लोग नौकरी की तलाश में शहर चलेंगे। क्यों नहीं भैया। लेकिन ऐसे तो गुनगुना चला तो मजा रास्ता कट जाए भैया। हरे राम जी जब अभी 22 जनवरी को अयोध्या धाम में चारों तरफ रोशनी ही रोशनी थी। क्यों नहीं और अयोध्या धाम में ही नहीं बल्कि हमारे पूरे हिंदुस्तान में दिया जलाया गया था। क्यों नहीं भैया। हरे राम जी जब चले हैं जनकपुर से कैसे सारी सखियां खड़ी की खड़ी रह गई जनकपुर से राम जी जब चले हैं जनकपुर से सारी सखियां खड़ी की खड़ी रह गई राम। घरे मजा नहीं आवत यार घरे मजा नहीं आवत यार सोचत है भैया के साथ हम परदेश चला जाए। लेकिन यार सोचत है आराम से बोली धीरे धीरे क्यों सुनत तो नहीं यार। अरे धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले एक तो गायक लोग गाए हैं लेकिन मानिए हमारे नक्कारा मास्टर पुधराम भैया क्या कह रहे हैं।